नमस्कार किसान भाइयों, राम राम जी। पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट एबीसी गियरबॉक्स के साथ 14 गिटार, आज शाबाश घूम गया फिर का। ओहो, ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है जी, डीजल में बहुत ही ज़्यादा, इसका एवरेज भी ना आपको दिखाया जाएगा अगली वीडियो में। शाबाश, पलटा काट दिया जी, पलाऊ का बढ़िया वाला। ट्रैक्टर में दब भी तो चमक नहीं रही, हल्की हल्की स्लिप है, मामूली सी, इतनी तो स्लिप लेगा। और एक चीज और बता दूं, इसी काम पे कोई ट्रैक्टर मान लिया खा रहा 8 लीटर और कोई खा रहा 5, 3 लीटर के घंटे का फर्क बहुत हो, 300 रुपये घंटा बचे। तो किसान भाई, तेल का भी औसत देख ले करो, वीडियो तो तुम बहुत देख रहे सभी चैनलों पे, नुक भाई ने इतना रूटर खींच लिया, उनने उतना खींच लिया, पर उनका तेल भी तो नापो, पता तो जब ही लगेगा। मान लिया रूटर तो हंगे खींच रहे, तेल मारे बराबर, अब जो भाई किराया करें वे तो बराबर रह जाएंगे उसमें, तो सारी चीज़ देखा करो भाइयो। शाबाश, बंधु ट्रैक्टर है जी, गठड़ी बिल्कुल बंधी गठड़ी है, यो भी तो देखो आवाज। एक बार रो क्यों, एक बार चक्कर खींच लो, जहां खींचने नु देखना कितने घुटना है इसमें। 17 पे चलो जी, तो देखो किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा ये आ गया भाई, द्रोबीज देखो वही आ लिया जहां था, और बंधा ट्रैक्टर है बिल्कुल बंधा। कटने और आवाज भी बिल्कुल सेट, ये देख लो पूरा काम हो रहा, पीछे गलियारे खोल के भाई साहब ने। एक बार बंद कर लियो जा, राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। और जी बढ़िया बढ़िया है जी। तो ट्रैक्टर तो खुल के चल रहा है जी बिल्कुल। हाँ, ट्रैक्टर तो 50 चक्कर डाउन। हाँ, इतने तो जी 50 और 100 तो जी, चाहे तुम 100 पावर का ले लियो। हाँ नहीं, एक बार जब जल लगा के चले, हाँ उठने में तो थोड़ा सा वो है, फिर उसके बाद में तो बस 100 चक्कर मुश्किल। 100 तो जी 100 पावर का भी करेगा, वहाँ तो दिखे सुई रखे नहीं वो, वो तो सभी कोई भी ट्रैक्टर ले लो तुम। नहीं, ये जो ट्रैक्टर है ये इसका टॉर्क ज्यादा है, तो इस वजह से ये अड़का हंगा लगा। नहीं, अपनी रेस पर रुका रहे, ऐसा नहीं कि दबने का नहीं, जल्दी सी जो दबागा भी तो फिर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ जल्दी। अब किसान भाइयों को इसकी 52 HP ट्रैक्टर हो जी, और देखो डीजल एवरेज कब कुछ चेक करवा रहे रूटर पे। डीजल एवरेज करवा देंगे जब कहोगे आप। देखो भाइयों, इसका डीजल एवरेज रूटर पे दिया जाएगा आपको, और आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। गैल भाई साहब की कल भी वीडियो आपने देखी होगी, मजा आ गया, दिखे जच रहे। पर एक बात तो बताओ, हाँ यो राज भूल गया मैं आपका, ये चश्मा क्यों लगा करो आप? चश्मा तो जी पहले तो ना लगा रहे थे, ज्यादा दो एक महीने हो गए होंगे, आँख में थोड़ा सा कुछ गिर गया था, और तो उससे दिक्कत सी आ रही थी, डॉक्टर ने बताया उनको थोड़ा सा थोड़े टाइम धूल मिट्टी का ध्यान से रखे। ठीक जी ठीक, हम अगर जच रहे। हाँ, इस वजह से लगा रहे भाई, किसान आदमी। देखो जी सिस्टम, इनमें तो कंप्यूटर मांजन में चल जाएगा जूका तू। हाँ, कंप्यूटर मांजे के लिए भी यही है, और यही उसके लिए है प्रेशर के, इसी में जूका तू चला है। हाँ, जूका तू चलेगा बस, इसमें तो ये जो है इसे हला हुआ झूला में ऐसे तो। हाँ जी, इसमें जब कंप्यूटर मांजा चलाऊंगे तो इसको यहाँ करके बांध देंगे। ठीक जी ठीक। और यो कितने का आ जा सिस्टम, यो प्रेशर वाला? यू तो जी 174,000 रुपये का आया था पिछले साल। अच्छा, 174 का छूट मिल गई थी थोड़ी सी। ठीक जी ठीक जी, बहुत बढ़िया हो गया जी काम। देखो पीली मट्टी काट दी खेत में, तुम जैसे बहु गन्ना भी देखो बहुत बढ़िया खड़ा है इनका, ईंख भी बहुत ही तकड़ा हो, यो पलाओ चलाई से ही हो गया तुम तकड़ा।
आज पलाव चलाए का बहुत अंतर है। अंतर है हाँ, जो ऊपर की मिट्टी हैगी वो मिट्टी खराब हो रही है, और ये पलटा मारने के बाद में फिर जो इसमें हम खाद वाद गिरेंगे कुछ वो करेंगे तो जल्दी असर दिखाओगे, जल्दी असर दिखाओगे। हाँ ये तो है जी, जिन खेतों में पलाव लग गए बहुत बढ़िया रहे, पर किसान भाई लालच कर जानो का यार अब जब पलाव लगवाओगे फिर इसे बहाओगे, महंगाई का दूर है, महंगा तो पड़े ही है, फिर कंप्यूटर मंजा लगवाना पड़े। हाँ जी यो है, पर फायदा भी तो ऐसा ही हो जा, इसका मान लिया एक निकल गया 100 कुंटल का बिगार, वैसे 50 का निकल रहा, वैसे भी तो अंतर आ जा जी। हाँ 50 का ना मान लो 80 का 85 का निकल जा वैसे।